1971 में राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी खूब हिट रही थी। तभी से हाथियों का मानव प्रेम भी खूब पसंद किया जाता रहा है। हाथी यकीनन एक विशाल प्राणी है, लेकिन विशाल शरीर के साथ साथ हाथी का मन भी खूब बड़ा होता है, जिसमें अपने परिवार के साथ इंसानों के लिए भी खूब जगह होती है। हाथी की समझ भी बहुत तेज है। अब ये वीडियो ही देख लीजिए। फुटबॉल खेलते लोगों को देख हाथी भी बिना सिखाए ही फुटबॉल खेलना सीख गया, और जब उसे किसी टीम में नहीं लिया गया तो वो खुद ही मैदान में पहुंचकर फुटबॉल खेलने लगा। गुवाहाटी के नारेंगी आर्मी कैंट एरिया में ये लोग अपने खेल में मगन थे कि तभी गजराज ने एंट्री मारी। नतीजा, सब लोग एक तरफ और मैदान गजराज का हो गया। इसके बाद बॉल गजराज के कब्जे में। गजराज ने भी सोचा, लगे हाथ क्यों ना एक दो किक आजमा ली जाए। गजराज ने अपने शरीर के हिसाब से चीटी जितनी दिखाई दे रही बॉल को दो किक मारी। अपना मनोरंजन करने के बाद गजराज महाराज वहां से चले गए। फुटबॉल अब वापस खिलाड़ियों के पास थी। मस्त गजराज का ये तो था फुटबॉल प्रेम। अब आपको दिखाते हैं कि मस्ती के साथ साथ गजराज मुसीबत में इंसानों के लिए भी कितना मददगार साबित हो सकता है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के शिवपुरी का है, जहां अमृतसर से नांदेड़ जा रहा सिखों का एक जत्था रुका हुआ था। एकाएक हुई तेज बारिश के कारण मिट्टी गीली होती चली गई, और जब तक इन लोगों के जाने की बारी आई तब तक ट्रक मिट्टी में धंसता ही चला गया। ऐसे में ट्रक को निकालने के लिए आदमियों ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन सारी ताकत कम पड़ गई। इंसानों की ताकत कम पड़ी तो गजराज का बल काम आया। हाथी की ताकत से ट्रक गीली मिट्टी से बाहर निकाला गया। इस हाथी ने एक के बाद एक गीली मिट्टी में फंसे तीन ट्रकों को बाहर निकाला। दरअसल ये हाथी अमृतसर से सिख जत्थे के साथ ही आया था, जिसे महाराष्ट्र के नांदेड़ में होने वाले दशहरा मेले में शामिल होना है। तो देखा आपने, पहले हाथी बना खिलाड़ी और फिर हाथी बना साथी। इन दोनों वीडियो को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि वाह रे गजराज महाराज।